ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथमेटिक्स, वेलकम टू द फर्टाइल क्लासेस गाइस, राइट? सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करेंट अफेयर डेली करेंट अफेयर सीरीज ऑफ द 4 अगस्त 2020 गाइस। तो आज के इस सेशन में हम लोग यूपीएससी सीएससी के जो भी द हिंदू और आपके पीआईबी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का न्यूज़ है वो सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए और भी बेनिफिशियल चीज़ ये है गाइस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओके, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करेंट अफेयर डेली करेंट अफेयर सीरीज ऑफ द 4 अगस्त 2020 गाइस। तो आज के इस सेशन में हम लोग यूपीएससी सीएससी के जो भी इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, एवरी वन प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। करने वाले हैं और आज जो भी स्टूडेंट यूपीएससी के ओके, इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, एवरी वन प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके, तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो पिछले साल जो है 2019 में जिनका मेंस क्लियर हुआ था, प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और जिनका इंटरव्यू अच्छा गया था, तो वो सारे बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है जो भी एस्पिरेंट्स है तो उन सारे राइट, तो यहाँ पे जो है उनके लिए भी गुड न्यूज है। और जो भी स्टूडेंट्स जो भी एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है तो उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरे तरफ से उनके इस ग्रेट सक्सेस पे मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो है वो अपने आने वाले जीवन में अपने जीवन के और जो उपलब्धियां हैं वो भी अचीव करें और जिस फील्ड में भी जाएँ, चाहे उनको आईएएस मिले, आईपीएस मिले, आईएफएस मिले, तो उनका जो है एक बहुत ही अच्छा जो है उनका फ्यूचर हो और वो बहुत अच्छे से हमारे देश के लिए वर्क करें, राइट? तो इसके लिए हम हमेशा कामना करते हैं गाइस, राइट? एवरीथिंग क्लियर? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके सारा का सारा टॉपिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। एवरीथिंग क्लियर? सो प्लीज़ राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। सारे लोग राजा राम तिवारी, हाय हाय सर, सो प्लीज थम्स अप इन द चैट बॉक्स। सो प्लीज राइट राइट सर इन द चैट बॉक्स। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर सब कुछ अगर अच्छे तरीके से मिल रहा है तो प्लीज राइट राइट प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। यस राजा राम तिवारी इज सेइंग द राइट सर। ओके, सो एवरीथिंग क्लियर, आई होप दैट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। तो आज का ये सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर जो 4 अगस्त का है। उसके पहले हम लोग टॉप 10 का जो लिस्ट आया है, जो भी रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट आउट हुआ है, तो उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसमें जो करेंट अफेयर का जो सीरीज मैं लेता हूँ गाइस, उसमें मैं डिस्कस करता हूँ जो भी आपका द हिंदू का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है या फिर द पीआईबी का जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है, तो वो सारा चीज़ हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। दिस इज प्रेजेंट बाई मी आशीष सर, एंड इफ़ यू आर नॉ न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइज। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको जो है सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर की ही क्लासेस नहीं मिलती है, आपको यहाँ पे जीएस जनरल स्टडी, जनरल साइंस, आपको जो है प्लस में आपको जो है यहाँ पे क्लासेस सीसेट का, मैथ्स का भी क्लासेस, रीजनिंग की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी 2021 के छात्रों के लिए, 2020 और 2021 के छात्रों के लिए। तो चलिए यहाँ पे 2019 का रिजल्ट आ चुका है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे टॉप 10 का लिस्ट है जिसमें अगर हम लोग बात करें तो पहला जो स्थान जो आया है, पहला रैंक आया है प्रदीप सिंह का, दूसरा जतिन किशोर का, तीसरा प्रतिभा वर्मा का एंड हिमांशु जैन का फोर्थ रैंक है। उसके बाद जयदेव सी एस का आपका फिफ्थ रैंक है, विशाखा यादव इनका जो है 7 रैंक है, फिर मतलब 7 रैंक इनका, 6 रैंक आपका विशाखा यादव का है, गणेश कुमार भास्कर का 7th रैंक है, अभिषेक सराफ का जो है 8th रैंक है, रवि जैन का 9th रैंक है एंड संजीता
महापात्रा का जो रैंक है वो आपका 10th रैंक है, राइट। तो गाइस इन सारे लोगों को और जो भी लोग इस बार रिजल्ट में और जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन सारे लोगों को मेरी तरफ से और फर्टाइल क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई। और साथ ही साथ जो एस्पिरेंट्स का रिजल्ट नहीं हो पाया किसी भी कारण से, तो उनको होप नहीं खोना है, उनको होप लूज नहीं करना है गाइस, ओके। तो उनको होप लूज नहीं करना है, उनको क्या करना है कि उनको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि आखिर उनका क्या कारण था जिसके कारण इस बार उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको नेक्स्ट बार और अच्छे तरीके से तैयारी करना है और फोड़ कर लाना है गाइस। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म गाइज, आप मेरे को अनअकैडमी प्लस पे भी फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी पे भी जुड़कर जो है किसी भी तरीके के कोर्स के साथ आप इनरोल हो सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी कैटेगरी के लिए पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जिसमें आप नॉमिनल प्राइस में घर बैठे अपने कम्फर्ट जोन से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, राइट। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करें, यूपीएससी सीएससी के बारे में। तो ये जो सेशन है यूपीएससी सीएससी के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप सीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे, तो बिल्कुल आपको यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको ड्यूरेशन होगा और साथ ही साथ साइड में आपको जो है यहाँ पे फी का अमाउंट लिखा हुआ होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा गाइस कि आप एटलीस्ट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको एक साल का लेना चाहिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो आप 2 साल तक का ले सकते हो, राइट। एक साल का कोर्स का अगर हम लोग बात करें तो 44,000 रुपये लगते हैं और 2 साल के कोर्स में आपको 64,000 रुपये पूरा का पूरा जो है बहुत सारा चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो लगभग 80+ फैकल्टी जो है वो यूपीएससी सीएससी के लिए आपको कंटिन्यूसली अनअकैडमी प्लस पे यूट्यूब पे आपको जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीकली क्विज, सारी चीज़ आपको जो है कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। आपको टेस्ट पेपर भी मिलता है, आपको वीकली टेस्ट एंड जो है मंथली क्विज भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके कारण आप अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो गाइस, राइट। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि सर इसमें भी अगर कुछ डिस्काउंट हो जाता तो क्या अच्छा रहता, राइट। तो इतना अगर आप देखो तो 44,000 आपका एक साल का लग रहा है। अगर मंथ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो मंथ के अकॉर्डिंग आपका ये जो पैसा है ये 3,667 रुपये लग रहे हैं। जैसे कि अगर आप यूपीएससी का तैयारी करने सॉरी गाइस, ड्यू टू द सम टेक्निकल इशू एक्चुअली लैपटॉप हैंग हो गया था, जिसके कारण थोड़ी सी आपको बीच में दिक्कत मिली। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस गाइस, क्योंकि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्लास ज़्यादा लेने के कारण यहाँ पे सिस्टम थोड़ी हैंग हो गई थी जिसके कारण आपको यहाँ पे दिक्कत देखने को मिली। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा था कि आप यहाँ पे इस तरीके से कोर्स ले सकते हो। अगर आप इसमें भी चाहते हो कि इसमें 10% आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप बिल्कुल मेरा एक कोड अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको गाइस 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा कोड है, ओके वन मिनट, ओके गाइस, सो दिस इज माय कोड SHIVGOVIND 1001-501। वन सेकेंड आई एम गोइंग टू राइट। तो मेरा कोड ये है SHIVGOVIND 1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे गाइस आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10% का अगर आपको डिस्काउंट देना है बिल्कुल आप इस कोड को अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, 10% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो जैसे कि आप देखो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कोड अपना अप्लाई किया तो ये जो अमाउंट जो है वो आपका 10% रिड्यूस हो गया और ये आपका 8,772 हो गया, ये आपका 18,000। मतलब आप इस तरीके से कोर्स को खरीद सकते हो, राइट। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे मेरे को फॉलो करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, राइट, ठीक है।
और अगर अभी तक गाइस अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन, क्योंकि यहाँ पे जो है गाइस मैं आपको यूपीएससी के लिए करेंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, आपका रेलवे बैंक एसएससी के लिए मैथ्स पढ़ाऊँगा, और भी हमारे जो फैकल्टी है वो आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली जो क्लासेज जो है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। ठीक है, आप यहाँ पे कार्ड का पेमेंट जो है अनअकैडमी पे अगर आप कोर्स अगर ख़रीदना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में ये सारी चीज़ कार्ड की फैसिलिटी, नेट बैंकिंग, यूपीआई वैलेट एंड ईएमआई से आप उसको पे कर सकते हो। तो चलिए गाइस आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला का कोट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का कोट है गाइस, इसके बारे में अगर बात करेंगे, ग्रेट स्पिरिट्स हैव ऑलवेज फेस्ड द वायलेंस अपोजिशन फ्रॉम द मेडिकल एंड माइंड्स, राइट, मेडिकल्स माइंड्स। सो यू कैन से दैट कि महान आत्माओं को हमेशा औसत दर्जे, जो एवरेज दर्जे के जो लोग होते हैं उनका दिमाग का विरोध जो है उनका सामना करना पड़ता है। अगर आप बहुत अच्छा किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो तो जो आपसे औसत एवरेज स्टूडेंट एवरेज पर्सन होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, आपका विरोध करेंगे। अगर आप इस डायरेक्शन में अगर कोई किसी भी डायरेक्शन में अगर आप बेस्ट हो तो आपको विरोध करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। अगर आपका विरोध हो रहा है गाइस तो आपको बिल्कुल ये समझना है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हूँ, राइट, एवरीथिंग क्लियर। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये बहुत ही गुड जो है कोट्स है आज का कि अगर आप तो वहाँ पे अगर आपके ऊपर अगर कोई वहाँ पे अगर आपका कोई विरोध कर रहा है तो उसके ऊपर क्या है कि वहाँ पे आपको हतोत्साहित नहीं होना है, वहाँ पे अपना होप लूज नहीं करना है, आपको बिल्कुल वहाँ पे समझना है कि जो ग्रिट स्पिरिट जो होता है उसको इस टाइप का ऑपोजिशन जो है वो आपको जो फेस करना ही पड़ता है, राइट। यही सोचकर आप इसको अच्छे वे में लेकर और अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हो, राइट। ओके, तो आज के इस करेंट अफेयर के टॉपिक में जो यूपीएससी का है उसमें हम लोग 11 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप किसी भी मीडियम के छात्र हैं हिंदी और इंग्लिश तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 1947 का पैक्ट ऑन द गोरखा सोल्जर था उन पे, दूसरा जो है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट पे के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद व्हाट इज द बिदो, उसके बाद जो है व्हाट इज द नेशनल ट्रांजिस्ट पास सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। अभी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो स्मार्ट इंडिया हैकथन जो 2020 को एड्रेस किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत एयर फाइबर सर्विस क्या है तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ढोले एक तरीके का जो होता है एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, तो आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा उसके बाद मैंडरिन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एक जो है बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट जो है वो अभी न्यूज़ में है, तो वो उसमें कौन कौन सा प्लेस जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्लेस इन द न्यूज़ में आगाबटी आइलैंड, जो आगाटी आइलैंड जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो ये भी आपके लिए मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने अभी प्लान किया है क्वाइन जो है वो महात्मा गांधी के लिए बनाने के लिए, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। गाइस क्या करो, जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़कर देख रहे हैं सारे लोग वीडियो को शेयर कर दो मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को मिल सके और वो भी हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, राइट। चलिए तो यहाँ पे रिसेंटली अभी हम लोग बात करेंगे कि रिसेंटली द फॉरेन मिनिस्टर जो है नेपाल के जो हैं उन्होंने ये बताया कि 1947 में जो नेपाल भारत और ब्रिटेन के बीच में त्रिपक्षीय जो समझौता हुआ था उसको निरर्थक बताया। ठीक है, जो सैन्य सेवाओं से संबंधित जो गोरखा सैनिकों की सैन्य सेवाओं से संबंधित जो त्रिपक्षीय नेपाल भारत और ब्रिटेन के बीच में समझौता हुआ था उसको निरर्थक बताया गया है। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों बोला उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आखिर ये 1947 में जो समझौता हुआ था, 1947 पैक्ट जो गोरखा सोल्जर पे हुआ था उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से। तो वर्ष 1814-16 में जो है एंग्लो नेपाली युद्ध के पश्चात जो है यहाँ पे एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ, जो कब से कब तक चला था, 1814 से 1816 के बीच। ठीक है, तो उसमें के बाद ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिक्रूट द गोरखा सोल्जर इन 1815।
तो ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि हम लोग 1815 में उन्होंने डिसाइड किया कि उन लोग क्या करेंगे कि गोरखा सोल्जर को अपने सेना में भर्ती करने के बारे में उन्होंने डिसाइड किया। उसके बाद यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है उस समय जो है 10 रेजिमेंट था गोरखा का, ठीक है, मतलब गोरखा सैनिकों की 10 रेजिमेंट थी। इनके बंटवारे को लेकर भारत, ब्रिटेन और नेपाल के मध्य त्रिपक्षीय समझौता किया गया। वो समझौता क्या था कि इस समझौते के तहत ब्रिटिश साम्राज्य की गोरखा रेजिमेंट को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में बांट दिया गया। मतलब यहाँ पे जो है गोरखा रेजिमेंट भारत में भी होगा और आपका यूनाइटेड किंगडम में भी अवेलेबल होगा, ब्रिटेन में भी आपका होगा, राइट। अब इसमें यह भी आश्वासन दिया गया कि गोरखा सैनिकों को जो दोनों सेनाओं गोरखा सैनिकों को जो दोनों सेनाओं के लिए जो भांति जो वेतन होता था, जैसे कि जो भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों को जो वेतन देता है, जैसे कि अगर आप गोरखा गोरखा सोल्जर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गोरखा सोल्जर को उतना ही पेंशन दिया जाएगा, उतना ही वेतन मिलेंगे, उतना ही भत्ता उनको मिलेगा। सारा जो पर्क्स एंड प्रिविलेज जो होगा वो आपका जो इंडियन एंड ब्रिटिश मिलिट्री को मिलता है उतना ही आपका मिलेगा, उसमें से थोड़ा सा भी उनको कम पैसा नहीं मिलने वाले। तो इसके बारे में ये था आपका गोरखा पैक्ट 1947 में, जो किसके किसके बीच में हुआ था, भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच में, राइट। अब इसके बाद आखिर वर्तमान में विवाद का विषय क्या है। पिछले कुछ समय से अगर हम लोग बात करें तो सेवानिवृत्त जो गोरखा सैनिक ब्रिटेन पर उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। गोरखा सैनिक ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो है भेदभाव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला गया कि हाल ही में काला पानी क्षेत्र को लेकर हुए नेपाल भारत के क्षेत्रीय विवाद के पृष्ठभूमि में भारतीय सेना में सेवारत गोरखाओं के संदर्भ में नेपाल द्वारा प्रमुखता की से आपत्तियों को उठाया गया। तो इस चीज़ पे भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। मतलब वहाँ पे जो काला पानी क्षेत्र में भारत और नेपाल का जो क्षेत्रीय विवाद है उसमें जो है भारतीय सेवा में जो सेवारत गोरखाओं गोरखा लोग हैं उन लोगों के संदर्भ में जो नेपाल द्वारा प्रमुखता से आपत्ति को उठाया गया, राइट, ठीक है। तो ये सारा जो है यहाँ पे इस चीज़ के भी के लिए भी आप बोल सकते हो कि जो नेपाल के जो भी सैनिक थे उन्होंने काला पानी रीजन के लिए डिस्प्यूट्स के लिए जो आपत्ति जो उठाया उसके लिए भी यहाँ पे उनके खिलाफ जो है वो भेदभाव किया जा रहा है, ये ऐसा बोला जा रहा है, राइट। अब इसके बाद ये बोला गया कि नेपाल के द्वारा क्या उठाया गया कदम। तो नेपाल हैज़ रिटेन द यूनाइटेड किंगडम टू रिव्यू द एंगेजमेंट विथ लंडन टू सिक्योर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द गोरखा सोल्जर। उन्होंने ये बताया कि नेपाल द्वारा गोरखा सैनिकों के सुरक्षित भविष्य के संबंध में यूनाइटेड किंगडम से 1947 के समझौते की समीक्षा करने के लिए पत्र लिखा है। नेपाल ने किसको पत्र लिखा, यूनाइटेड किंगडम को, कि जो समझौता 1947 में हुआ था उसके समझौते को समीक्षा की जाए। इसके अतिरिक्त नेपाल इज प्लानिंग टू टर्मिनेट द 1947 एग्रीमेंट्स, और इसके अतिरिक्त नेपाल वर्ष 1947 में किए गए समझौते को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। मतलब वो चाहता है कि जो ये समझौता हुआ था वो हमारा समाप्त हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे गोरखा जो है वो आपका ब्रिटिश आर्मी में है। तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश आर्मी में लगभग 3% गोरखा हैं, ठीक है। और ये जो है वर्तमान में जो ब्रिटिश सेना में गोरखाओं की संख्या है वो 3% है, तथा वर्ष 2015 में गोरखाओं की ब्रिटिश सीमा में 200 वर्ष पूरे हो गए। मतलब ये कितना साल पूरा हो गया, लगभग 200 साल पूरा हो गया। इसमें ब्रिटेन सेना रिगार्डेड एज अ फियर्स एंड द लोयल एंड द गोरखा आर हेल्ड इन द हाईएस्ट स्टीम इन द ब्रिटिश आर्मी एंड दे आर इनलिस्टेड नॉट ओनली द इन्फेंट्री बट ऑल्सो इन द इंजीनियरिंग क्रॉप्स एंड द लॉजिस्टिशियंस, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश सेना में जो गोरखाओं का जो खूंखार वफादार रूप से जाने जाते हैं उनका उच्च सम्मान भी दिया जाता है ब्रिटिश सेना में, और सेना में गोरखाओं को पैदल के अलावा इंजीनियरिंग कोर या फिर लॉजिस्टिक कोर में भी भर्ती किया जाता है। तो ये आप समझ सकते हो कि गोरखा जो है वो ब्रिटिश आर्मी के लिए गोरखा रेजिमेंट कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इनका जो है सिग्नेचर वेपन्स, मतलब उनका प्रमुख हथियार जो है वो खुखरी है। कौन सा हथियार है, खुखरी है, जो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें
तो अपनी आकृति या फिर ऐतिहासिक उपयोगिता के लिए विख्यात है, तथा यह ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी गोरखा रेजिमेंट के प्रतीक चिन्ह का एक भाग है, राइट। तो अगर गोरखा रेजिमेंट है तो वो खुखरी हथियार का यूज करते हैं। इसके बाद ब्रिटेन की रानी जो क्वीन एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ टू ऑफ द ब्रिटेन इज गार्डेड बाय द 2% गोरखा ऑफिसर। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि आपको जो ब्रिटिश की रानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं उनकी भी सुरक्षा 2 निजी गोरखा अधिकारियों की द्वारा की जाती है। आखिर ये उनका भी, ब्रिटेन की जो रानी है उनका भी सुरक्षा कौन कर रहा है? उनका भी सुरक्षा जो है गोरखा 2 अधिकारी ही करते हैं, राइट। आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो नेपाल का ये इशू है, नेपाल आपका यहाँ पे हो गया, और इस तरीके से आपका जो है ये सारा प्लेस है, आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, राइट। तो यही सारा, ये जो काला पानी, ये जो प्लेस है इसी पे इशू आपका चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ये इशू नेपाल अभी खड़ा कर रहा है, ठीक है, राइट, ओके, एवरीथिंग क्लियर गाइस। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये यही रीजन के लिए अभी जो है यहाँ पे जो विवाद चल रहा था भारत और किसके बीच में, नेपाल के बीच में, तो इसी के लिए जो है ये पैक्ट, ये जो है नेपाल ये चाहता है कि ये पैक्ट जो है 1947 में जो ब्रिटेन ब्रिटेन देन आफ्टर इंडिया, और फिर उसके बाद जो ये समझौता किसके बीच में हुआ था, आपका नेपाल के बीच में, तो ये समझौता को वो खत्म करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे ये सारा चीज़ इसको खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1947 पैक्ट में जो है वो कितना महत्वपूर्ण है आपका ब्रिटिश ब्रिटिश आर्मी के लिए। आखिर ये समझौता क्या है, नेपाल ने आखिर ऐसा क्यों चाह रहे हैं, नेपाल का चाहने के पीछे रीजन क्या है, तो ये सारा चीज़ हम लोग जो है, सॉरी एवरीवन, तो पूरा आखिर ये न्यूज़ क्या है, माजरा क्या है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया गाइस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट करेंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो पिछले वर्ष 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था, जैसे कि हम लोगों को पता है। लेकिन इवन आफ्टर द ऑलमोस्ट अ ईयर व्हेन 2 डजन ऑफ द मेन स्ट्रीम लीडर ऑफ द रीजनल पार्टीज इन द जम्मू एंड कश्मीर रिमेन अंडर द हाउस अरेस्ट। तो यहाँ पे इसके लगभग 1 साल के बाद भी जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उसके लगभग 2 दर्जन से अधिक जो प्रमुख नेता हैं उनको घरों में, अपने घरों में नज़रबंद हैं। इसके पूर्व जो है अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा इस राज्य को प्राप्त है, जैसे कि हमको पता है, और ये दर्जा जो है विशेष दर्जे की समाप्ति के साथ ही अनुच्छेद 35A को भी निरस्त कर दिया गया। मतलब पहले जो था ये स्टेट में जो है वो अलग रूल होता था, मतलब एक तरीके से उस स्टेट को विशेष दर्जा दिया जाता था, तो ये आपका समाप्त कर दिया गया। उसके बाद समाप्त करने के बाद 5 अगस्त को पिछले साल आपका समाप्त किया गया, 5 अगस्त 2019 को, राइट। तो इसके पूर्व जो है यहाँ पे जो है समाप्त करने के बाद भी 1 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्रीय पार्टियां के लगभग 2 दर्जन से भी अधिक प्रमुख नेताओं को अभी तक उनको हाउस अरेस्ट, मतलब नज़रबंद करके रखा गया है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कंसर्न इस प्रकार के उपायों से संबंधित चिंताएं क्या हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाउ डिटेंशन विदाउट एनी द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आर अनलॉफुल। इसका मतलब ये है कि बिना किसी प्रशासनिक आदेश के गृह नज़रबंदी अवैध है। बिना किसी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के बिना भी अगर आप किसी को नज़रबंद कर रहे हैं तो वो भी आपका अवैध है। एंड इट अंडरमाइंस द ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअल लाइबर्टी। ये किस चीज़ को अंडरमाइंस करता है, मतलब ये हनन करता है ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअल लिबर्टी को, मतलब मानव अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है। यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करें तो अदालतों में भी नज़रबंद कश्मीरी नेताओं को याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हुई है और इन्हें सरकार की दया भी छोड़ दिया है। इन्हें सरकार की दया
छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे भी आप समझ सकते हो कि कोर्ट में यहाँ पे कोई भी पेटिशन जो है वो यहाँ पे इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है जो भी गवर्नमेंट है मतलब इसमें जो भी पर्सन जो मतलब हाउस अरेस्ट है उनको किस चीज़ के दया पे छोड़ दिया गया है, उनको पूरा का पूरा किसके भरोसे छोड़ दिया गया है, गवर्नमेंट के भरोसे छोड़ दिया गया है। अब अगर हम लोग बात करें कि अब तक यहाँ पे कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अगर हम लोग गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार 5 अगस्त की कार्रवाई के पश्चात लगभग अनुमानतः अगर हम लोग बात करें तो 500 से अधिक लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया, राइट। तो यहाँ पे किसके अंतर्गत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अकॉर्डिंग उनको जो है हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए लोगों को लोगों में पथराव करने वाले वकील, हुर्रियत के अलगाववादी नेता और भारत समर्थक दलों के नेता भी सम्मिलित हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें किसको किसको अरेस्ट किया गया। जो लोग हिरासत में लिए गए वो या तो पथराव करने वाले थे, वकील थे, हुर्रियत के अलगाव नेता थे, या फिर भारत के समर्थक दलों के नेता भी सम्मिलित थे। हिरासत में लिए गए लगभग 250 कश्मीरी अभी भी केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की जेलों में बंद हैं। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितने लोग अभी तक बंद हैं, लगभग 250 कश्मीरी अभी भी से केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के जेलों में बंद हैं। अगर हम लोग बात करें लगभग 6 अगस्त 2019 से श्रीनगर के में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 600 से अधिक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई, परंतु जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा आज तक इन मामले के 1% भी फैसला नहीं किया गया। मतलब लगभग अगर हम लोग बात करें तो लगभग 600 से अधिक बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर हुई, कब से, जब 5 अगस्त को ये जो है पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया था, उसके बाद 6 अगस्त से ही यहाँ पे याचिका दायर शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद भी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के द्वारा अभी तक 1% केस पर भी फैसला नहीं सुनाया गया। अब यहाँ पे कार्रवाई की आवश्यकता क्यों है, कंडीशन रिलीज फॉर ऑफ द लीडर प्लेस अंडर द हाउस अरेस्ट फॉर द मोर देन अ ईयर, मतलब 1 वर्ष से अधिक समय तक आप नज़रबंद रहने वाले नेताओं की सशर्त रिहाई, कार्रवाई की आवश्यकता यही है। दूसरा, रीस्टोरेशन ऑफ 4G नेटवर्क, मतलब यहाँ पे इंटरनेट के 4G नेटवर्क की बहाली होनी चाहिए। दूसरा नेक्स्ट जो है लिफ्टिंग ऑफ द कर्व्स ऑन द पीसफुल एंड पॉलिटी एक्टिविटी, शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों में प्रतिबंध हटाना, जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उसका जो प्रतिबंध है उसको भी हटाने की आवश्यकता है। एंड 5 अगस्त के निर्णय से प्रभावित लोगों के साथ एक बहुस्तरीय संवाद होना चाहिए, ठीक है, मतलब हर एक लेवल पे जो मल्टी लेवल डायलॉग है विद दोज इफेक्टेड विद द अगस्त 5 डिसीजन, जो 5 अगस्त को डिसीजन हुआ उसके बाद जो भी लोगों को यहाँ पे जो प्रभावित हुए हैं लोग उनके साथ बहुस्तरीय संवाद होना चाहिए, उनके साथ बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड दूसरा, कंपनसेशन टू द कश्मीरी फार्मर एंड द बिजनेसमैन फॉर द इकोनॉमिक लॉसेस, तो जो भी वहाँ पे कश्मीर के जो किसान हैं या फिर व्यापारी हैं उनको जो आर्थिक नुकसान हुआ है उनको भी क्षतिपूर्ति करने की कार्रवाई की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तो क्यों ज़रूरी है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ गवर्नमेंट अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, आखिर क्या पावर है गवर्नमेंट के पास पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अकॉर्डिंग, क्या उन लोग पावर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या फिर पावर के को इग्नोर करके काम कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम को जम्मू एंड कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 भी कहा जाता है, राइट। तो जम्मू कश्मीर पब्लिक इसको जो है 1978 भी कहा जाता है। PSA को हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हम लोग जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम मीन्स जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA 1978 भी कहा जाता है। इसमें यही है कि ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, मतलब निवारक निरोध कानून है, ठीक है, जिसके तहत अंडर विच अ पर्सन टेकन टू द कस्टडी टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर दैट इज अ प्री जुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। इसका मतलब यह एक निवारक कानून है जिसके अकॉर्डिंग जिसके तहत राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का
आशंकापूर्ण गतिविधि करने से रोकने हेतु हिरासत में लिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग यही है कि जो भी वहाँ पे जो राज्य की सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के आशंकापूर्ण गतिविधि करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग इसमें क्यों लागू होता है, इसे क्यों लागू किया जाता है था पहले, आखिर इसमें कब लागू किया जाता था, जैसे कि इस अधिनियम के अनुसार जो है यहाँ पे ये इसलिए लागू होता था क्योंकि पहले जो है अगर हम लोग बात करें तो लकड़ी की तस्करी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, तो लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए यहाँ पे ये काम किया जाता था। दूसरा, कीप द स्मगलर आउट ऑफ द सर्कुलेशन, दूसरा कि तस्करों को स्वतंत्र घूमने के लिए यहाँ पे ये कानून को बनाया गया था जिसमें तस्करी लकड़ी का ना हो या फिर तस्कर जो है इधर से उधर ना घूम पाए। आखिर इसको अप्लीकेबिलिटी क्या है, तो दिस लॉ, यह लॉ यही अलाउ करता है, इस कानून के अंतर्गत सरकार को 16 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के 2 साल तक हिरासत में रखने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब इस कानून के अंतर्गत 16 साल से अधिक किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के 2 साल तक उसको हिरासत में रखा जा सकता है। दूसरा, इसके तहत किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों से राज्य की सुरक्षा को खतरे की आशंका होने पर 2 साल तक के लिए प्रशासनिक हिरासत तथा सार्वजनिक व्यवस्था में खतरे की आशंका होने पर 1 वर्ष तक के लिए प्रशासनिक हिरासत में रखने की अनुमति दी जाती है। मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन जो है उनको 2 साल के लिए किया जाएगा, कब, जब उनको जो है लगेगा कि राज्य में जो है वो सिक्योरिटी पे खतरा है, मतलब वहाँ पे सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा के खतरे की आशंका है, तो उस कंडीशन में किया जा सकता है, राइट, ठीक है। तो ये 2 साल तक, और किस कंडीशन में 1 साल तक किया जाएगा, जब आपका सार्वजनिक व्यवस्था में खतरे की अगर आवश्यकता होती है, मतलब आशंका है, तो उस कंडीशन में एक साल तक के लिए उनको प्रशासनिक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई है, राइट। इसके बाद हाउ इज इट इन्फोर्स्ड, इसे किस प्रकार लागू किया जाता है, इट कम इनटू द फोर्स व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास बाय आइदर बाय द डिविजनल कमिश्नर एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इस अधिनियम को सहभागी आयुक्त या फिर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रशासनिक आदेश पारित कर लागू किया जाता है। मतलब इसको लागू कौन करता है, या तो डिविजनल कमिश्नर करेगा या फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ये लागू किया जाता है। हिरासत में लेने वाले अधिकारियों के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने संबंधी कारण बताना आवश्यक नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर को हिरासत में लिया जा रहा है, तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के लिए कोई भी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कारणों का स्पष्टीकरण सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है, प्रवर्तक अधिकारियों की सुरक्षा, जो यहाँ पे इन्फोर्सिंग अथॉरिटी होते हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए ये वर्क किया जा सकता है। मतलब सेक्शन 22 इस एक्ट के सेक्शन 22 में ये प्रोटेक्शन दिया जाता है कि प्रवर्तक अधिकारियों के अच्छे उद्देश्य के साथ की गई किसी भी कार्रवाई के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है, किसी भी कार्रवाई के लिए, राइट, अच्छे उद्देश्य के साथ की गई गाइस। नाउ इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है ये आपका हो गया कि पूरा मैंने बात किया कि प्रवर्तक जो भी प्रोटेक्शन ऑफ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी होता है उनको जो है किस तरीके से सुरक्षा
मुहैया कराई जाएगी। तो यहाँ पे इसके अधिनियम के धारा 222 मतलब धारा 22 के तहत प्रवर्तक अधिकारियों को अच्छे उद्देश्य के साथ की गई किसी भी कार्रवाई के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है, और इस अधिनियम के प्रावधानों में अच्छे उद्देश्य के लिए की गई किसी भी कार्रवाई से संबंधित व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई, सुनवाई या फिर मुकदमा नहीं किया जाएगा, राइट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है ये रूल, इसके रिगार्ड्स में इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार, तो यहाँ पे सेक्शन 23 है उस इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उद्देश्य सिद्धि के लिए आवश्यकता अनुसार नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया, ओके गाइस, ओके, सो सॉरी फॉर दिस एवरीवन, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ जा रही है, राइट। तो ये इशू मैं बहुत जल्दी आपका जो हूँ वो दूर कर दूंगा गाइस, जिसके कारण जो दिक्कत आ रही है वो आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। थोड़ी सी कंटिन्यूसली क्लास लेने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ी सी इशू इसी में आ जा रही है। सो एवरीथिंग क्लियर गाइस, ओके। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे कि इस संबंध में नियम बनाने के अधिकार क्या हैं, कि अधिनियम की धारा जो है 23 के तहत सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उद्देश्य सिद्धि के अनुसार आवश्यकता अनुसार नियम बनाने का प्रावधान जो है वो दिया गया है, प्रदान किया गया है अधिकार। उसके बाद सेकंड में अगर बात करें इसके बाद, तो पहला ये हो गया। दूसरा जो है सार्वजनिक जो सुरक्षा अधिनियम है उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए अभी तक कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, मतलब कोई भी नियम जो है वो बनाया नहीं गया है स्पेशल, मतलब यहाँ पे जो भी नियम बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क किया जा रहा है, राइट। ओके, 1 मिनट गाइस। उसके बाद आखिर ये लॉ जो है कंट्रोवर्सियल या फिर कानून से संबंधित विवाद क्या है। सबसे पहला कि यहाँ पे बिना ट्रायल का ही डिटेंशन किया जाता है, मतलब इसके तहत बिना सुनवाई के हिरासत में रखने की अनुमति है, एंड नो राइट टू फाइल द बेल, मतलब हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत हेतु याचिका दायर करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में लेने संबंधित कारणों की भरमार है, बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे हिरासत में लेने का। उसके बाद कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं बताया गया, चाहे मामूली हो या फिर गंभीर प्रकृति के अपराधों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं किया गया है। क्या यहाँ पे कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, तो इस अधिनियम के तहत प्रशासनिक निवारक निरोध के आदेश को केवल हिरासत में लिए गए व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार की याचिकाओं पर केवल उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय सुनवाई कर सकते हैं। यदि न्यायालय सरकार के प्रशासनिक निवारक निरोध आदेश को निरस्त कर देती है तो सरकार दोबारा से व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले सकती है,
मतलब अगर एक बार अगर निरस्त भी अगर कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है तो फिर से उसको जो है यहाँ पे हिरासत में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे यही सारा चीज़ ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी तक भी एक साल कंप्लीट होने वाले हैं, लगभग एक साल आपका कंप्लीट हो चुका है, ये 5 अगस्त को ही हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग अभी तक जो भी लोग जो वहाँ पे जो नज़रबंद हैं, हाउस अरेस्ट हैं, उनको अभी तक हाउस अरेस्ट रखा गया है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, राइट। चलो अब इसके बाद जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एक सेटेलाइट के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टेलेशन सेटेलाइट के बारे में। तो हाल ही में चीन के द्वारा एक जो है सेटेलाइट स्वदेशी, जिसको बेदोई नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम समूह को पूरा करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। इसमें जो है बेदई, जो ये बेदोई नाम क्या है, बेदोई नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है क्या, ये एक चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। मतलब अगर आप बताएं तो यह एक चीन निर्मित सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ग्रह के नेटवर्कों का उपयोग किया जाता है तथा यह 10 मीटर की दूरी तक सटीक अवस्थिति प्रदान कर सकती है, 10 मीटर की दूरी तक, राइट। GPS 2 मीटर तक सटीक अवस्थिति प्रदान करता है, तो उससे ये बेस्ट है। मतलब GPS जो है वो 2 मीटर तक की सटीक अवस्थिति प्रदान करता है, जबकि ये जो है बिदोई जो है वो आपका 10 मीटर तक की दूरी तक की सटीक अवस्थिति प्रदान कर सकती है, राइट। चाइना ने जो है ये इनिशिएटिव जो है चीन में मत्स्य पालन, कृषि, विशेष देखभाल, लोक बाजार अनुप्रयोगों, वानिकी, राइट, एंड सार्वजनिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुप्रयोगों को एकीकृत करने के उद्देश्य से वर्ष 1994 में जो है बेदोई प्रोजेक्ट का आरंभ किया था। मतलब ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1994 में। किस किस चीज़ के लिए, जैसे फिशरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, स्पेशल केयर हो गया, मास मार्केट एप्लीकेशन हो गया, पोस्ट्री, पब्लिक सिक्योरिटी, तो ये सब चीज़ के क्षेत्र में को देखते हुए यहाँ पे ये चीज़ स्टार्ट किया गया था, इसका इनिशिएटिव का शुरुआत हुआ था। बेदई जो है वो ये सर्विस प्रोवाइड करता है जो सटीक अवस्थिति, दूसरा नेविगेशन और समय के साथ जो है संक्षिप्त संदेश संचार, जो शॉर्ट मैसेज कम्युनिकेशन जो है वो भी सेवा प्रदान करता है गाइस, राइट। तो ये सारा चीज़ हो गया। तो आखिर इसमें ये सारा चीज़ आखिर ये पॉसिबल कैसे है, इस नेविगेशन सिस्टम में कितने सैटेलाइट्स हैं, कितने उपग्रह हैं, तो ये सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अकॉर्डिंग तो लगभग 27 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें जो 5 इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, 3 मोर इन द इंक्लाइन जियो साइक्रोनस ऑर्बिट हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है मध्य भू कक्षा में 27 उपग्रह, जिसमें भू स्थैतिक कक्षा के 5 उपग्रह हैं और अनंत भू समकालिक कक्षाओं के जो है उसके 3 उपग्रह स्थिति, राइट। उसके बाद चीन के लिए इसका महत्व क्या है, चीन और अमेरिका के मध्य जो है संबंध बिगड़े हुए हैं, अतः चीन के लिए अमेरिकी GPS पर निर्भरता समाप्त करने के लिए अपना नेविगेशन सिस्टम तैयार करना आवश्यक हो गया है। इसलिए बिदोई प्रणाली के पूरे होने के पश्चात चीन के पास अब अपना नेविगेशन सिस्टम है और यह अन्य देशों द्वारा विकसित नेविगेशन प्रणालियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो गया है। यह प्रणाली चीनी सेवा को बेदोई निर्देशित पारंपरिक आक्रामक हथियारों, बेदोई गाइडेड कॉन्वेंशनल स्ट्राइक वेपन्स की तैनाती करने में सक्षम है। तो पहले ये जो है चीन के नेविगेशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड होता था, ये चीन जो है पहले आपका डिपेंडेंट होता था किसके ऊपर, अगर हम लोग बात करें तो US के ऊपर। अब अन्य देशों द्वारा नेविगेशन प्रणालियों में भी काम किया जा रहा है, जैसे GPS अमेरिकी सरकार की नेविगेशन प्रणाली है और इसे अमेरिका वायुसेना द्वारा संचालित किया जाता है। रूस के पास अपना नेविगेशन सिस्टम है जिसको क्या बोलते हैं, जिलोनास। यूरोपियन संघ EU के पास जो है नेविगेशन सिस्टम का नाम है गैलीलियो, एंड भारत की नेविगेशन प्रणाली को नाविक बोला जाता है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशंस नाविक कहा जाता है। तो ये सारा नेविगेशन सिस्टम जो है अलग अलग कंट्री का नाम है। तो यहाँ पे चीन के पास भी अब अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम होगा जिसका नाम बेदोई रखा गया है, राइट।
आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से इंक्लिनेशन वाले नेविगेशन सिस्टम जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे प्लेन थ्रू द इक्वेटर, दूसरा जो है यहाँ पे सैटेलाइट ऑर्बिट्स है, और ये सैटेलाइट ट्रैक्स ट्रैक्स ओवर द इक्वेटर। तो यहाँ पे सैटेलाइट जो है ये आपका इक्वेटर के ऊपर ऊपर जो है, मतलब उसके जस्ट साइड से वो जो है पूरा आपको वहाँ पे क्या करेगा, इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अकॉर्डिंग पूरा इंक्लिनेशन के साथ वहाँ पे जो है सैटेलाइट जो है वो मैसेज प्रोवाइड कराएगा। दूसरा पोलर ऑर्बिट के अकॉर्डिंग भी ये काम करेगा, इंक्लाइन ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, मतलब हर तरीके से ये जो है बेस्ट तरीके से वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पे आपका फिगर में दिया हुआ है, राइट। ओके चलो, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम क्या है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक ऑनलाइन ट्रांजिट पास जनरेशन सिस्टम है, किसके लिए, टेम्बर के लिए, बम्बू के लिए एंड अदर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस हैं उसके लिए। जैसे टिम्बर मतलब अगर आप बोलो लकड़ी के लिए, बांस के लिए, या फिर जितने भी वन के उपज जो होते हैं उनके लिए एक ऑनलाइन पारगमन पास जारी करने की वाली प्रणाली है, ये पास आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसे हाल ही में जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, एंड द पायलट प्रोजेक्ट विल बी द फंक्शनल इन द मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना फॉर नाउ। तो ये प्रारंभ में जो नेविगेशन सिस्टम है, ये जो नेविगेशन नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को प्रायोगिक परियोजना के रूप में मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना में शुरू किया जाएगा। ये कहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होगा, फंक्शन आपका ये परियोजना स्टार्ट होगा सबसे पहले मध्य प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेगा, इसका क्रियाविधि क्या होगा, सबसे पहले कि एप्लीकेशन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेंट्स होंगे यहाँ पे रजिस्टर करेंगे इस सिस्टम में, देन आफ्टर उनको जो है एक पास दिया जाएगा, उनको जो है इसके बाद उनको ट्रांजिट पास के लिए आवेदन किया जा सकता है, राइट। उसके बाद एप्लीकेशन ये मूव कहाँ पे होगा, आपका फॉरेस्ट ऑफिस में, मतलब ये जो है ऑनलाइन आवेदन संबंधित जो रेंज के जो वन कार्यालय में चला जाता है इसके पास जाद, आफ्टर फॉलोइंग द स्टेट स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ द वेरिफिकेशन एंड ट्रांजिट। ओके तो यहाँ पे जो है अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो भी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है इसके बाद एक ट्रांजिट पास उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, और ये ट्रांजिट पास जो है वो आयोजक के द्वारा ये जो पास जारी जो होगा उसके द्वारा संदेश भेजा जाएगा, और जो पारगमन जो पास है वो आपका डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। एंड यह प्रणाली ट्रांजिट पास जारी करने के लिए प्रक्रिया तेजी से लाई जाएगी, और इस सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन गाइस, सो कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर से एक बार आप लोग बात करने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया अभी यहाँ तक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कैसे ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले ये अप्लीकेशन यहाँ पे फिल किया जाएगा इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे अप्लीकेंट्स जो है उसके बाद ट्रांजिट पास के लिए अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन जो रिसीव ये जो ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे जो कंसर्न जो रेंज होगा वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिस में, फिर उसके बाद स्पेसिफिक एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और फिर उसके बाद ट्रांजिट पास का इशू किया जाएगा। फिर उसके बाद आवेदक को जो है यहाँ पे एक मैसेज रिसीव होगा, मतलब संदेश भेजा जाएगा, और वो पारगमन पास को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद इसका महत्व यह है कि यह प्रणाली से ट्रांजिट पास जारी करने के लिए की प्रक्रिया जो है वो तेजी में लाएगी, और इस सिस्टम से जारी किया गया पारगमन पास पूरे भारत के लिए मान्य होगा, और इसमें जो वनोपज में निर्बाध जो आवागमन में वृद्धि होगी।
ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि करने के लिए बात किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ गाइस, हैकथन से रिलेटेड, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हैकथन अभी जो है, हैकथन इज अ नेशन वाइड इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद अ प्लेटफॉर्म टू सॉल्व द सम ऑफ द प्रेसिंग प्रॉब्लम पीपल फेस इन द डेली लाइफ्स एंड दस इनकल्केट कल्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इनोवेशंस एंड द माइंडसेट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हैकथन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली जो दबावपूर्ण जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस प्रकार जो नवाचार की संस्कृति या फिर समस्याओं से निपटने की मानसिकता विकसित करता है। यहाँ पे जो इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो कब लाया गया था, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एवरीवन, इसका जो फर्स्ट एडिशन जो लाया गया था वो आपका 2017 में लाया गया था, ठीक है। पहला संस्करण जो है ये आपका आयोजित किया गया था 2017 में। ये हैकथन जो है ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के द्वारा और परसिस्टेंस सिस्टम्स एंड I4C द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। मतलब इसमें ये सारी संस्था आपकी इन्वॉल्व है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हैकथॉन में कौन कौन सी संस्था सम्मिलित है तो आप बोल सकते हो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, परसिस्टेंट एंड सिस्टम्स एंड Y4C, राइट। जिसको अगर आप इंग्लिश में बोलो तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन एंड परसिस्टेंट सिस्टम एंड I4C के द्वारा ये जो है ज्वाइंटली ये ऑर्गेनाइज किया जाए। ओके गाइस, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भारत एयर फाइबर सेवाएं BSNL जो है भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के पहलों में से एक हिस्से के रूप में प्रदान की जाएगी। इसका लक्ष्य ये है कि BSNL की जो अवस्थिति में 20 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इस प्रकार दूर दराज के स्थान के ग्राहक भी लाभान्वित जो है उनको बेनिफिट्स मिल सकेगा, क्योंकि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स जो है की सहायता से BSNL सबसे सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराती है, राइट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ढोले के बारे में, ढोले है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये न्यूज़ में क्या है, क्यों है। एक नए अध्ययन के अनुसार जो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भारत में जो है लघु प्राय जो है आपका लुप्त प्राय ढोल जो है एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इंडेंजर ढोल जो है भारत में इंडियन वाइल्ड डॉग या रेड डॉग भी इनको कहा जाता है, इसके संरक्षण में शीर्ष स्थान पर है। प्रमुख तथ्य क्या है, ढोल एक दक्षिण और दक्षिण पूर्व